एक जो दोस्त अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता था या उन्हें शुक्रिया कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शुक्रिया अदा कैसे किया जाए या उनका एहसान कैसे चुका दिया जाए। तभी उसे एक बात समझ में आई, अगर अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है तो अपने दुश्मनों को मारना पड़ेगा। कहानी उसने अपने दुश्मनों को बुलाया। आपने क्यों बुलाया? एहसान चुकाने। दुश्मनों को इतने बहरे में से मारा कि दुश्मन ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इतनी बहरे में से मौत आएगी। वो सिर्फ खून सवार उसके सिर पे चल रहा था। उसने दुश्मनों को इतना मारा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मार रहा है या क्या कर रहा है। उसे बस खून चाहिए था। खून से लगभग होके वो खुद जख्मी था, पर वो दुश्मन को मारना छोड़ नहीं सका। उसने मार दिया, इतना मारा। मैंने जिंदगी में पहली बार जब इसे देखा तो मैं हैरान हो गया कि अपने दुश्मनों को देखे इतनी नफरत। खून से पूरा लाल भरा हुआ चेहरे पे पूरा सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा, अपने दुश्मन को उसने मार दिया। अरे ये किसका कॉल है? अरे ये तो अपने यार का कॉल है। हेलो, हाँ बोलना भाई। क्या गोवा? पर भाई मेरा पेमेंट नहीं हुआ। मेरे पास है पर सिर्फ 3,000 रुपये है, बाकी कुछ करते हो तो आज सब। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बात चलेगा यार। कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, जाएंगे या ना। एक पैसा तो है मेरे पास, इसके पैसे कौन डालेगा? पता ही है हमारी मदद करता है, ये करता है, पर आज कल कौन रखता है कीमत? मुझे बता दे। चल ये नहीं आ रहा ना, अपना अपन चलते हैं ना यार। ये क्या जिगरी बिगरी, ये कुछ नहीं होता, पैसा है तो दोस्ती है। मैंने इतनी इनकी मदद की पर ये कोई मुझे मदद नहीं करना चाहते। हेलो भाई, हम जहाँ मिलते थे ना कल वही वापस आ जाना, मिलना है। साला कहीं का जिगर दोस्त क्या होता है, वो कल उन्हें पता चलेगा। सालो पर भाई, तू तो उसके दोस्त की कर्ज अदा और दोस्तों का शुक्रिया करने की बात कर रहा था। मैंने जो कहा वो तुझे समझा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने अपने दुश्मनों को मार दिया, और उसके दुश्मन है अपने खास दोस्त। उसने जिस दुश्मनों को मारा है वो और कोई नहीं, उसके सबसे अच्छे दोस्त ही है। जो पैसा देख के दोस्ती करता है वो कभी दोस्ती नहीं हो सकती, जो दिल से दोस्ती करता है वो ही दोस्ती हो सकती है, वरना ये हाल हो सकता है। अगर अंदर गदगदा
That's good enough.